सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप सबको मेरा प्रणाम। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और मैं यही कहूँगा कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रमोद जी ने फिल्म बनाई है। बहुत अच्छी स्टार कास्ट है और स्टार कास्ट का कहीं भी ऐसा आप सिनेमा देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये कहीं भी बेकार है। और सबसे बढ़िया बात जो इस सिनेमा में है वो ये है कि इसका सब्जेक्ट अपने आप में हीरो है, बाकी हम सब किरदार अपना समय समय पर लिया है। इसके चौहान जी ने बहुत अच्छी लिखी है, हर किरदार को अपना एक फुटेज, अपना एक दमदार चरित्र दिया है। तो पूरी टीम को, जिस टीम का हिस्सा मैं भी हूँ, शुभकामना है। और आप सबको आज दशहरे की भी शुभकामना है। दशहरे के दिन हम लोगों की फिल्म का प्रीमियर हो रहा है और 18 तारीख को फिल्म आके रिलीज। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। आज सत्य की जीत होगी तो छलिया में भी सत्य की जीत होती है, कैसे होती है वो देखिएगा। तो दर्शकों से क्या कहना चाहिए, क्या अपील करना चाहेंगे 18 तारीख में? अगर आप अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं, एक स्वस्थ सकारात्मक सिनेमा, तो छलिया ज़रूर देखिए। छलिया में दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारे यहाँ भोजपुरी सिनेमा का एक दृष्टिकोण तो बदलेगी। कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा दूसरी इंडस्ट्री में हास प्रयास का कारण बनते हैं, जो शायद हम, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। और हमें एकजुटता के साथ इस चीज़ का विरोध भी करना चाहिए। हो सकता है कि हम लोग कहीं थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम लोग कहीं कमज़ोर हैं। हिंदी के बाद शायद ये दूसरी टेरिटरी है जो 7 राज्यों में रिलीज होती है। तो दम तो है हम लोगों में, बस अब दम दिखाने की बारी है। 18 तारीख और 18 तारीख को फिल्म आ रही है। मेरे ख्याल से शायद पूरे भारत में रिलीज़ हो रही है, तो आप लोग इसको देखें, अपना प्यार और आशीर्वाद दें। और जो लोग दर्शक थिएटर से रूठे हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक बार जाके ज़रूर देखें। आप निराश नहीं होंगे, आपको मज़ा आएगा। ये फिल्म आपको एक संदेश के साथ साथ मनोरंजन भी देगी। थैंक यू सर। अभी प्रीमियर लॉन्च हो रहा है, मैं तो पहले जा रहा हूँ अभी देखने के लिए, बट उसके पहले मेरे पूरे उत्तर भारतीय समाज को, भोजपुरी समाज को, सिनेमा के सारे दर्शकों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं करण पांडे की तरफ से। और जहाँ तक फिल्म का सवाल है, नो डाउट अगर प्रमोद भाई ने बनाई, प्रमोद शास्त्री मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छा सिनेमा बनाया होगा। और एक लवली ब्यूटीफुल जोड़ी इस फिल्म में वापस आ रही है छलिया के साथ में, कल्लू जी और यामिनी सिंह। चलिए, मैं तो जा रहा हूँ देखने को, देख के आने के बाद मैं आप लोगों को अच्छी तरह बताऊँगा। और ये फिल्म आप लोग थिएटर में जाके जरूर देखिएगा, मेरी यही शुभकामना है। एक और जोड़ी है, हर्ष ठाकुर ने निशा ठाकुर। अब ये जोड़ी तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन एक कहा जाता है ना कि शिल्पकार जो होता है वो कैसा भी पत्थर दे दिया जाए उसके हाथ में तो वो तराशता बहुत अच्छा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो क्या नाम बताया आपने, निशा झा, हर्ष ठाकुर, निशा झा और हर्ष भाई, ये दोनों को जिस हिसाब से प्रमोद जी ने तराशा होगा, नो डाउट बहुत अच्छी मूर्ति बनेगी। देखिए, दर्शकों से मैंने जैसे बताया कि दर्शकों से मेरी यही अपील रहेगी कि मैं जा रहा हूँ प्रीमियर देखने के लिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे सारे भोजपुरिया समाज से कि ये फिल्म जाके आप लोग थिएटर में देखिए 18 तारीख को, और आप अपना रिव्यू शेयर करिए ताकि आपके एक देखने, क्योंकि 100% बात यह है कि ये एक पारिवारिक और बड़ी साफ सुथरी, बड़ी अच्छी फिल्म है। जो मैंने ट्रेलर और वो सब देखा कि अब धीरे धीरे समाज चेंज हो रहा है, जिस तरह राम जी ने रावण को मार के आज दशहरे की शुभारंभ की थी, विजय प्राप्त की थी, उसी तरह आज ये छलिया हम जैसे विलन्स को मार के उसके बाद वो विजय प्राप्त करेगा। तो आप लोग 18 तारीख को जाइए, अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइए और फिल्म देखिए और फिल्म का रिव्यू जरूर देखिए। नमस्कार। थैंक यू सर। आज तो सबसे पहले आप सभी को और देखने वाले सारे दर्शकों को दशहरा की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज
हमारी फिल्म छलिया का प्रीमियर है और आप लोग भी देखिए कैसा लगा। एक सच्चाई के साथ उसका आप लोग कुछ ना कुछ जैसा आप लोगों को लगे दर्शकों को बताइए, लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। इसलिए कि फिल्म में बहुत अच्छा मैसेज है, एक पारिवारिक फिल्म है और काफ़ी अच्छे ढंग से कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ फैमिली के लिए हर तरह की बातें कहने की कोशिश की गई है। और हमारे निर्देशक मोहित शास्त्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो मेरी कल्पना थी उसको स्क्रीन पर उतारा है और हमारे सारे आर्टिस्टों ने बहुत ही मेहनत और बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया है। मैं चाहूँगा कि जो भी इस सिनेमा का संदेश है, जो भी हम कहना चाहते हैं कलम के माध्यम से, आप लोग देखने के बाद उसको पब्लिक तक पहुँचाइए और लोगों को बताइए कि मतलब इसकी सिनेमा बनना चाहिए और ऐसा मैसेजफुल ड्रामा अगर हर निर्माता का देना शुरू करें तो अच्छा लगेगा। अठारह तक फिल्म रिलीज हुए, दर्शकों से अपील करना चाहिए। दर्शकों से हमारी यही अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सिनेमा को देखें, अच्छा लगता है तो ऐसा सिनेमा बनाने के लिए हमारे निर्माताओं को, इंडस्ट्री को प्रेरित करें, उनसे कुछ डिमांड करें, अपने समाज को सुधारने के लिए, अपनी भाषा को सुधारने के लिए। पब्लिक एक अच्छा उमंग दिखाएगी तभी हर जगह सुधार होगा, मेरा ध्यान जी बोल दीजिए। 18 तारीख आप सबसे मेरी गुजारिश है कि 18 तारीख को आप लोग सिनेमा देखने ज़रूर जाएं, इस फिल्म को देखें और अन्य लोग भी जो भी है आपके आस पड़ोस में सबको भेजने की कोशिश करें। थैंक यू सर।